कन्हैया के नगरी में आज से मची गणपति बप्पा की धूम। मथुरा की गणेश टीला मंदिर सहित व भगवान गणेश के मंदिरों में सेवायत द्वारा महाभिषेक के साथ साथ पूजा अर्चना भी की जा रही। वही मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा है। मथुरा स्थित गणेश टीला और इस बार दुल्हन की तरह श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश का मंदिर दुल्हन की तरह सजाया गया और यहाँ मंदिर प्रांगण में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। जी बताएं, सबसे पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है सुभाषिस सनियाल, हम बेंगलोर का है, अभी हम वृंदावन में रहते हैं जी। तो ये गणेश जी का पूजा के लिए हम लोग आया है और हम लोग हर साल ये पूजा करते हैं जी। जी तो आप कितने लोग वहाँ से आए हैं और क्या विशेष आपने यहाँ देखा? हम लोग जो है इधर में हम लोग जो है वृंदावन में रहता है, तो इसमें जो गणेश पूजा का जो फेस्टिवल है उसके चलते हम लोग अभी वृंदावन से फिर इधर में आए। पहले बेंगलोर से वृंदावन आए, वृंदावन से इधर में आए। तो यहाँ आज गणेश चतुर्थी का दिन है, तो क्या विशेष पूजा आपने देखा है यहाँ पर? एक जो इसका स्थान का तो महत्व तो बहुत ज़्यादा है, किशन जी के अपने पूजा किए थे, राधा रानी भी इधर में पूजा किया है, तो इसका स्थान का बहुत बड़ा महत्व तो है। इसका साथ अगर आप दूसरा टेंपल बा जो पूजा होता है उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। हम लोग हर महीने चतुर्थी का रोज शुक्ला चतुर्थी में इधर में आके पूजा करते हैं। हमारा नाम गणपति देव की नंदन चतुर्वेदी है, जो सेवायत ठाकुर गणेश जी महाराज, और आज गणेश चतुर्थी का पर्व है। तो आज के इस पावन पर्व में मैं गणेश जी महाराज के जितने भी भक्त हैं उनको सबको जो है शुभकामनाएं देना चाहूँगा। गणेश जी महाराज भगवान गणपति उनके यहाँ मंगल की वर्षा करें, उनके सब घरों में शुभाशुभ काम जो होते रहें और उनके जो भी परिवार में विघ्न बाधाएँ हैं उन सबको ठाकुर जी नष्ट करें और धन धान्य पुत्र पुत्रादि से सबको युक्त करें। बात करें अगर इनके इतिहास की, तो इनका जो है शास्त्रों में भी वर्णन है, ये स्वयं मतलब जो भूमि से प्रकट है, इनका कोई ये महाराज गणपति हमारे जो है हजारों वर्ष पुराने स्थान है और भगवान गणपति की महिमा में क्या कुछ विद्यमान है। गणेश जी महाराज
वो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी महाराज किया करते थे। उस समय भगवान गणपति का पूजन करके ये जो क्षेत्र है इसको अंबिका वन बोला जाता है। यमुना महारानी बिल्कुल टीले के बिल्कुल लग कर एक जमाने में बहा करती थी, तो शुद्ध यहाँ पर भगवान गणपति का आह्वान करके ही राधिका जी और भगवान कृष्ण उसका जो है महाराज का शुभारम्भ किया करते थे। और कालांतर में इसका जो स्वरूप है स्थान का वो बदलता रहा है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन स्थान है, समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। तो ये जो बीच का जो पोर्शन है यानी कि जगमोहन और ठाकुर जी का निज मंदिर है, ये हजारों वर्ष पुराना है। बाकी स्थान में समय समय पर परिवर्तन होते हैं। सिद्धि सिद्धि के दाता है गणपत गणेश जी है, सर्वप्रथम जो है इनको पूज्य मतलब किया जाता है। ये अगर श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो क्या उनको आज के दिन मतलब करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? आज के दिन गणेश जी का जन्मोत्सव है, तो भगवान गणपति का सबसे पहले अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में और गणपति का पूजन करना चाहिए। उसमें भगवान गणपति के अनेक अनेक ध्यान हैं, उनका अथर्वशीर्ष का पाठ है, शंकरनाथ में सूत्र का पाठ है, और भगवान गणपति के मंदिर में या अपने घर में जहाँ भी स्थापित हैं उनकी पूजा अर्चना करके अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि विद्यारम्भे विवाहित प्रवेश नवग्रहे तथा संग्रामे संकटस्थैव भगवत तस्य न जायते। जो ठाकुर जी से जैसी कामना लेके आता है, जो विद्यार्थी है उसको विद्या की प्राप्ति होती है, जिसको धन की आवश्यकता है उसको धन देती है, और जिसको जो है ठाकुर यश और कीर्ति प्रदान करने वाले भगवान गणपति महाराज। मंदिर को भव्य तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है जी, और विशेष भंडारा भी का आयोजन होता है। हाँ, आज अभी 11 बजे पर महाभिषेक का आयोजन है। महाभिषेक जिसमें कि दूध दही घी शहद और इन सब सामग्रियों से अनेकों गंगा जल यमुना जल गुलाब जल अनेकों इत्रों से भगवान गणपति का स्नान कराया जाएगा। तदुपरांत उनका भव्य श्रृंगार होगा, फूल बंगला और प्रसाद 56 भोग का आयोजन शाम को 5 बजे पर, महाआरती और भजन संध्या। श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो लगभग कितने श्रद्धालु मतलब ये आते होंगे? आज के दिन में करीब 10 से 15 हज़ार भक्तों का यहाँ आवागमन, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद में जिस समय भगवान का 56 भोग सजे जाएगा, श्रृंगार सजे जाएगा, पूरा मंदिर भव्य तरीके से तैयार होगा, उस समय भक्तों को बहुत आता लगता है। मथुरा से अमेश शर्मा की रिपोर्ट।